दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली फ़ोटो को पीडीएफ कैसे बनाया जी। या दोस्तों, बहुत ही आसान काम है और आप लोग अपने मोबाइल में खुद अपने से फ़ोटो को पीडीएफ बना सकते हैं। मन चाहे जितना भी आप लोग का मन करे उतना आप लोग फ़ोटो का पीडीएफ बना के सेव करके रख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोग को आज बताने वाली हूँ, मैं आज आप लोग को लाइव 10 फ़ोटो को पीडीएफ बनाने वाली हूँ और आप लोग को सब दिखाऊंगी इस वीडियो में। दोस्तों, मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले तो आपको दोस्तों अपने मोबाइल में माय पीडीएफ एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन करेंगे और अलाउ करेंगे। दोस्तों, आप लोग को प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन मिल जाएगा, बट आप लोग सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे कौन सा एप्लीकेशन सही है। इसीलिए दोस्तों, मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में सेंड की हूँ, आप लोग वहाँ से क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे और उसके बाद आप लोग उसमें अलाउ का ऑप्शन दिया रहेगा, अलाउ सब कर लेंगे। दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं मेरे मोबाइल में यहाँ पे ये एप्लीकेशन ऑलरेडी से इंस्टॉल है, इसलिए मैं आपको यहाँ से इसको क्लिक करके दिखाती हूँ उस एप्लीकेशन को। दोस्तों, देख सकते हैं कुछ ऐसा करके पेज ओपन हुआ है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आप लोग एक ऑप्शन दिखता होगा इमेज पीडीएफ, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। इस पर क्लिक करती हूँ मैं, और क्लिक करने के बाद आप लोग को एक ऑप्शन दिखता होगा सेलेक्ट इमेज। यहाँ पे सेलेक्ट इमेज, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, आप लोग को जो भी फ़ोटो को मतलब सेलेक्ट करना है, जितना करना है, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आप लोग को आज 10 फ़ोटो को पीडीएफ बनाकर दिखाऊंगी, तो मैं आज आप लोग को वही दिखा रही हूँ। जैसा कि मैंने इस फ़ोटो को सिलेक्ट किया, अब मैं इसमें से सिलेक्ट करती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। मैंने इतना फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसको यहाँ से, ये जो ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है ये वाला, ये इस पर आप लोग क्लिक करना है, तो मैं इस पर क्लिक कर लेती हूँ। और दोस्तों, क्लिक करने के बाद आप लोग देख लिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को दिखता होगा, दोस्तों आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा एक क्रिएट पीडीएफ का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप लोग को इस पर क्लिक करना है। तो आइए मैं क्लिक करके दिखाती हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको मतलब आप जो भी पीडीएफ बना रहे जिस फ़ोटो का, तो दोस्तों उसका आप लोग को नाम रखना पड़ेगा, वरना आप लोग को नहीं याद आएगा। इसलिए यहाँ पर आप लोग को अपना मतलब कुछ भी आप लोग नाम रख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर रख देती हूँ इमेज, या फिर कुछ भी रख, जैसे कि मैं अपना नाम लिख देती हूँ यहाँ पे अर्चना। अब ओके बाद यहाँ से मैं अपना ओके कर देती हूँ। दोस्तों, ओके करने के बाद ये मेरा मतलब सेफ हो गया, मतलब फ़ोटो को मैंने पीडीएफ पूरा कंप्लीट कर लिया। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन होगा ऐसा करके, ये वाला पे आप लोगों को क्लिक करना है कि मतलब सच में हुआ है या नहीं। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को दोस्तों एक ऐसा ऑप्शन दिखता होगा व्यू फाइल्स, आप लोग को इस पर क्लिक करना है। तो मैंने व्यू फाइल पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं जो मैंने नाम वहाँ पे सेव किया था अर्चना, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को देखने को मिल रहा है अर्चना नाम से मेरा जितना भी मैंने फ़ोटो को पीडीएफ किया सब यहाँ पे सेव हो चुका है। ये मैं आपको क्लिक करके दिखाती हूँ। अब यहाँ पे क्लिक कर, जब उसको मैं करती हूँ तो यहाँ पे दिखता है ऑप्शन, तो इसमें से हम लोग को ओपन फाइल पे क्लिक करना है। ओपन फाइल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं ऐसा करके हम लोग के मेरा जो फ़ोटो है वो सब मतलब मेरा जितना भी फ़ोटो है सब पीडीएफ में बन चुका है। आप लोग देख सकते हैं ऐसा करके सब हुआ ओपन। तो आइए, तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत या प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। ओके बाय फ्रेंड, फिर मिलते हैं न्यू अपडेट में।